अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ भारत बेंच के फीचर्स। ये भारत बेंच की 3118 गाड़ी है। ये देखो इसका चाबी कितना खूबसूरत होता है, कार जैसा चाबी एकदम। ये है जो यू 8 ब्लू वाला टंकी होता है उसका चाबी होता है। और ये होता है इसका आरपीएम मीटर, ये वाला देख रहे हो जो आप। और ये होता है ये बार मीटर, मतलब प्रेशर मीटर होता है, ये देख रहे हो जो आप। देखो मैं स्विच लगा के दिखाता हूँ, ये प्रेशर, स्विच लगने के बाद में प्रेशर बताएगा कितना प्रेशर है। ये देखो अभी प्रेशर बता रहा है, मैं स्टार्ट करता हूँ, वो देखना, वो ये भी दिखेगा, आरपीएम मीटर भी दिखेगा। और दूसरा एक ये बटन होता है इसमें, यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला। तो ये क्या होता है, जैसे स्लोरिंग में गाड़ी खड़ा रखना है, जैसे एसी वेसी आप चालू रखते हैं, या कहीं पे जैसे, या बैटरी लो है, गाड़ी को स्टार्ट कर छोड़ना है, या उसके लिए, या जैसे आप 50 की स्पीड में चल रहे हो, 50 स्पीड में चलने के साथ में आपको फिक्स करना है गाड़ी की, ये 50 की स्पीड में ही चले और मैं एक्सीलेटर से पैर हटा लूँ, तो आप इसको दबाने के बाद में 50 की स्पीड में छोड़कर एक्सीलेटर से पैर हटा सकते हो, उसके बाद में गाड़ी 50 की स्पीड पर ही चलेगी। दूसरा ये होता है लाइम, LIM लिखा हुआ है जिस पर, इसको अगर दबा देंगे तो फिर वो वहीं पर अपने, मतलब एक्सीलेटर से ही चलाना पड़ेगा। दूसरा इसका क्या है, अगर आप जैसे मान लो ब्रेक दबा देते हैं तो भी ये काम करना बंद कर देगा, जैसे आप किसने लगा के छोड़ रखा है, आप लोगों ने जैसे इसको लगा के छोड़ रखा है, ब्रेक दबा दे तो ये काम करना छोड़ देगा, या क्लच दबा दे तो भी काम करना छोड़ देगा। मान लो जैसे कोई ब्रिज आ रहा है या कोई ओवर चढ़ाई आ रही है, तो आप स्पीड को और ज़्यादा करना चाहते हैं, पैर नहीं रखना चाहते एक्सीलेटर पर, तो इसको दबाते मत, 2-3 बार दबा दीजिए और थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा फिर ये हो जाता है इसका स्क्रीन, LED स्क्रीन हो जाता है जो इतना बहुत अच्छा दिखता है। ये हैंड ब्रेक डाला हुआ उसकी वजह से आ रहा है, मतलब पार्किंग का आता है, पार्किंग जोन का। दूसरा ये स्पीड मीटर, ये 125 का स्पीड दिखाता है इसमें। और ये जो नीला नीला दिख रहा है ये है यूरिया, 8 ब्लू बोलते हैं जिसको, 8 ब्लू की वो है, 4 डंडे दिखाते हैं इसमें, मेरा फुल है यूरिया। और दूसरा जो ये सुई देख रहे हो आप, ये मार्ग दर्शा रहा है, लाल निशान पे जाकर रुका हुआ है, ये डीजल का। और इसके फ्यूचर के बारे में, ये साइड में जो और एक बटन होता है ये, इससे देखते हैं, अगर इसको दबाएंगे तो इसमें ये दिखाता है, ये दर्शाता है कितने घंटे गाड़ी चला, कितने का माइलेज निकाला। अभी इसमें मेरा ये बता रहा है यूरिया, 8 ब्लू 42 लीटर यूरिया बता रहा है। एक बार और दबाएंगे तो इसमें 41 घंटे अभी तक मेरा गाड़ी टोटल चला है। अभी इसमें आप देख लो कितना किलोमीटर चला है, क्या चला है, सब दिखाता है। अलार्म बंद है, अलार्म जैसे आप गाड़ी सो रहे हो कहीं पे लगा के, तो इसमें अलार्म सेट कर सकते हो, ये टाइम कर मिला सकते हो इसमें, अभी टाइम हमने सेट नहीं कर रखा लेकिन मिला सकते हो इसको। ये ABS का है। डीजल दिखाता हूँ आपको, डीजल कहाँ से बताता है, यहाँ पे लाके जो ये वाला बटन है, ये वाला, इससे यहाँ तक लाके फिर इस वाले से, इस वाले को दबाओ तो डीजल दिखाएगा। देखो अभी तो 4200 किलोमीटर 8 ब्लू में चल सकता है, ये दिखा रहा है डीजल, 60 लीटर डीजल दिखा रहा है इसमें अभी, ठीक है। इसमें 190 किलोमीटर चल सकता है गाड़ी, लेकिन चलेगा नहीं वो तो ईयर बना जाता है, 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलेगा मुश्किल से। उसके बाद में ये हो जाता है जो 12 चक्का गाड़ी होता है, उसमें जो वो थर्ड एक्सल होता है उसको उठाने के लिए होता है, जो सिंगल एक्सल होता है ना उसको उठाने के लिए, इसको दबाएंगे तभी उठ जाएगा टायर, चाहे लोड हो चाहे अनलोड हो। और ये आ जाता है फिर AC का, ये इसमें AC का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक और बटन होता है, एक यहाँ पे होता है अलग से AC का। इससे क्या होता है कि उस कूलिंग एडजस्ट होता है कम या ज़्यादा करने के लिए, जो यहाँ पे बटन होता है और यहाँ पे होता है उससे AC ऑन होता है। और ये वो है जो बॉयलर पंखों के लिए, और ये वहाँ पे, मतलब यहाँ पे या सीने पे हवा लेना है, पैरों में हवा लेना है, या शीशे पे हवा लेना है, उसके लिए। चलो मैं अपना गाड़ी दिखाता हूँ आपको बाहर से। ये देखो इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है हमारी यहाँ पे, ये बन के नई नई खड़ी हुई है, एकदम नई नई। वहाँ उधर से दिखाता हूँ, ये देखो इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पे, ये हमारा वाला गाड़ी है।